आज कहानी में जानेंगे इंडिया के पहले दलित अरबपति राजेश तरैया, जिनकी कंपनी का वर्तमान में टर्नओवर 400 मिलियन डॉलर यानी कि 3300 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा का है। सिंस 1969 को उत्तर प्रदेश में सीतापुर के पास मिले सरैया सानी में एक मिडिल क्लास फैमिली में नाथ राम के घर में जन्म हुआ। इनके पिता नहीं चाहते थे कि हमारा बेटा बाकी दलितों की तरह हाड़ तोड़ कड़ी मेहनत वाले पारंपरिक काम करें। इनके पिता नाथराम ने इन्हें पढ़ाई लिखाई में अच्छा सपोर्ट किया। इनकी शुरुआती पढ़ाई देहरादून में हुई। इसके बाद इन्होंने रूस में एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसके बाद इन्होंने मेटल कंपनी खोलने की योजना बनाई। मेहनत और लगन से इन्होंने स्टील मॉन्ड कंपनी की नींव रखी। इस कंपनी का मुख्यालय डसेलफोर्ट जर्मनी में है। यह इस्पात, व्यापार, कोयला, रसायन उत्पादन, वस्तुओं और शिपिंग से संबंधित है। इसके लंदन, क्यू, मॉस्को, इस्तांबुल, दुबई, मुंबई और तियानजिन जैसी फेमस सिटीज में ऑफिस हैं। इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, हमें अपनी कंट्री से प्यार है और हम जल्द ही इंडिया में बसने वाले हैं। हम इंडिया में फूड प्रोसेसिंग यूनिट खोलना चाहते हैं। बिलियनियर राजेश सरैया जी यूक्रेन में बसे हुए हैं, लेकिन उनका मन भारत के गरीब व शोषित समाज के कल्याण हेतु हर वक्त कुछ करने की कोशिश में रहता है। राजेश सरैया को भारत सरकार की ओर से 2 बड़े अवार्ड मिल चुके हैं। इसमें 2024 का पद्मश्री और 2012 का प्रवासी भारतीय अवार्ड शामिल है। राजेश सरैया जी डिक्की यानी कि दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक भारतीय संघ के मेंबर है। यह संघ दलितों के लिए स्व सहायता और उद्यमिता के माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर के आर्थिक सशक्तिकरण के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए काम करता है।